Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहत याब होंगे. आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी फ्रेंडली कंट्री जापान से एक बैंड आया है जिनका नाम है द ट्रियो जिपांग. और मुझे अभी अभी पता चला है जिपांग टू, आई एम ट्राइंग टू गेट द एक्सेंट राइट, बट जिपांग जो है वो जापान का पुराना नाम है एंड द ट्रियो जिपांग लिटरली मीन्स थ्री पीपल फ्रॉम जापान, जो यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत से जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके दिखाएंगे और कुछ आपको जापानीज जो है उनका जो म्यूजिक है वो हम यहाँ. इन सब को मैं अलग से इंट्रोड्यूस भी करूँगी. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट? नो नो नॉट इवन इंग्लिश. वी हैव अ ट्रांसलेटर. हमारे बहुत बहुत जो है फेवरेट गेस्ट आज हमारे साथ होंगे जो यहाँ पर आते हैं. हमने उनके साथ खाना पकाना भी किया है, हमने उनके साथ गाना बजाना भी किया है, हमने उनसे बहुत सारी बातें भी की. वेरी 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 फ्रेंडली पर्सन और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं उनको यहाँ पर बुलाती हूँ. कत्सुनोरी अशीदा उनका नाम है. ही इज हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड फर्स्ट सेक्रेटरी. तो जब वो यहाँ पर आएंगे उनसे हम बात करेंगे, वो हमें बताएंगे, ट्रांसलेशन भी थोड़ी सी साथ में हो जाएगी और इन सब की इंट्रोडक्शन भी मैं कराती हूँ. आज का शो हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमेशा से एक अच्छी बात से जो आपको समझ आए और आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें उससे और फिर हमें दुआएं दे सकें. तो होता है ऐसे है कि जाते हैं तो एक आप लोगों की कुछ मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर मिंगलिंग होती है और थोड़ी सी टीम बिल्डिंग होती है. तो इसी तरह एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही होती है एक ह्यूमन राइट्स फर्म में, मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, ये मैं अपने आप से बता रही हूँ आपको, बट आई थिंक ये वहाँ पर हो रही होगी. तो वहाँ पर जो है जो उनके लीडर होते हैं वो उनको कहते हैं आप ऐसा करें कि सब एक एक बलून लें और उसके अंदर अपना नाम जो है वो डाल के उसको फुला के बंद करके एक अलग कमरे में छोड़ाएं. तो वहाँ पे कोई 51 लोग होते हैं तो वो सब अपना नाम जो है वो बलून में डालते हैं, उसको फुलाते हैं, उसको बंद करते हैं और एक अलग रूम में डाल देते हैं. उसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि वो सारे मिक्स हो जाते हैं बलून, देन ही सेज अब ऐसा करें कि अब आप जाएं और अपना जो नाम का बलून है वो उठा के वापस लेके आए. तो सारे जाते हैं और सारे जल्दी में जो है इस चक्कर में कैसे आपको पता चलेगा बलून के अंदर किसका नाम पड़ा हुआ है, चिट रैप्ड पड़ी हुई है. तो इस चक्कर में बहुत सारे बलून जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना अपना जो है नाम ढूंढ रहे होते हैं. पहले में नहीं निकला तो पहला भी बर्स्ट कर दिया, दूसरा भी बर्स्ट कर दिया, तीसरा भी बर्स्ट कर दिया, बहुत सारे बर्स्ट करने के बाद अपना नाम निकला और चंद ही लोग होते हैं जो वापस आते हैं जिनको नाम मिल चुके होते हैं. फिर वो कहते हैं कि अब हम ये एक्टिविटी दोबारा करेंगे, दोबारा से इसी तरह सब अपने नाम जो है चिट्स पे लिख के बलून्स में रैप करके छोड़ के आए और उसके बाद दोबारा ढूंढ के लाएं. लेकिन इस दफ़ा आपने एक ही बलून उठाना है और अगर मैं किसी और का उसके अंदर किसी और का नाम निकल आता है तो आपने वो उसको जाके पकड़ा देना है कि ये आपका नाम है. तो इसमें क्या होता है कि सब अंदर जाते हैं, जिसको अपना नाम मिल गया इज लकी इनफ, लेकिन जिसको किसी और का नाम मिल जाता है वो जाके उसे पकड़ा देता है. इसमें ना कोई बलून जो है वो ज़ाया होता है और सब जो है वो अपने अपने बलून के साथ वापस आ जाते हैं. अब इस एक्टिविटी का मकसद जब वो पूछते हैं क्या था तो वो कहते हैं ये जो नाम है आपके बलून्स में दीज आर लाइक राइट्स. हर किसी का इंडिविजुअल एक राइट है लेकिन हम सिर्फ अपने राइट को इंश्योर करने के चक्कर में, सिर्फ अपनी बात मनवाने के, सिर्फ हमारे साथ क्या हो रहा है के चक्कर में बहुत सारे बलून्स जो हैं वो फाड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों के राइट्स को ट्रम्प कर जाते हैं, उसके ऊपर स्टेप ओवर कर जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं कहीं पर जस्ट टू फाइंड आवर ओन नेम और जस्ट टू इंश्योर कि हमारा राइट हमारे तक पहुँच जाए. अगर हर इंसान ये जिम्मेदारी उठा ले कि मैंने एक दूसरे के राइट की जो है वो प्रोटेक्शन करनी है, मैंने दूसरे के राइट की हिफाजत करनी है, अगर मेरे कुछ राइट्स हैं तो मेरी इस कम्युनिटी की तरफ ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और हम एक कम्युनिटी की तरह जो है रहना शुरू हो जाएंगे जिसमें एक दूसरे का ख्याल किया जाता है ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है. तो अगली दफ़ा अगर कहीं पर आपको रिजेक्शन मिले, कहीं पर आपको ऐसा लगे कि मेरे राइट को ट्रम्प ओवर किया गया है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग और डू आस्क फॉर इट, डू गो फॉरवर्ड फॉर इट, ये ज़रूर सोचें कि आप जैसे कितने लोग हैं जिनके राइट्स ट्रम्प हो जाते हैं, जिनको कभी कभी फेवर मिल जाती है ना, आप लाइन में खड़े होते हैं, पीछे से कॉल आती है, आप देखते हैं लाइन में सबसे आखिरी वाला बंदा था वो आगे चला जाता है और कितना गुस्सा आता है उस वक्त. लेकिन अगर उस बंदे को ये पता हो कि जस्ट बिकॉज आई एम गिवन अ प्रिविलेज, आई एम गिवन अ राइट बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कनेक्शन या जो कुछ भी, तो ये सारी जो आगे मेरी लाइन खड़ी हुई है इन सब के राइट्स ट्रम्प हो रहे हैं और वो इस बात से गरेज करें कि जैसे ये सब खड़े मुझे भी यहाँ लाइन में खड़े होना चाहिए, तो किसी और का राइट खराब नहीं होगा. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स राइट्स. एक और आज जो
इम्पॉर्टेंट दिन है जिस लिहाज से, वो ये है कि 21 सितंबर 1925 जो है वो नूर जहान, मलिका तरन्नुम नूर जहान की जो है वो बर्थडे है. और ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह उनका नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मलिका तरन्नुम ना उन जैसी कोई थी ना उन जैसी दोबारा कोई आएंगी. और इतने खूबसूरत गीत जो है वो हमारे लिए गा के गई हैं, चाहे वो पेट्रियाटिक गीत हों जिनको सुन के अभी भी जो है ना जोश करना शुरू हो जाता है, हों चाहे वो खूबसूरत रोमांटिक गीत हों, चाहे वो गज़लें हों, हर चीज़ की वो मलिका थी. और हमारे पास जब भी कोई भी यहाँ पर आता है, जितने भी सिंगर्स आते हैं, चाहे वो उन्हीं के साथ के हैं या बात के हैं या आज के हैं, वो आके उनका एक गीत ज़रूर गाते हैं. हमेशा उनको एक ट्रिब्यूट ज़रूर पेश किया जाता है, हमेशा उनके बारे में बात ज़रूर होती है. और जितनी अच्छी वो थीं, जितने वो लेजेंडरी काम जो है वो कर गई, उसको अभी भी सराहा जाता है. ना ही सिर्फ यहाँ बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े जो वहाँ के सिंगर्स हैं कहते हैं कि हम उन्हें ही अपनी उस्ताद जो है वो मानते हैं. तो आज उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. आपसे मेरा सवाल जो है, क्योंकि हमारे पास आज एक और मुल्क का म्यूज़िक जो है वो आया है, हम वो सुनेंगे. तो आप बताइए कि बड़े सगीर की मौसीकी के अलावा, मतलब इंडिया पाकिस्तान की मौसीकी के अलावा, आप किस मुल्क की मौसीकी ज़्यादा पसंद करते हैं? आप मुझे कॉल करके बताना है. गेस्ट मैं आज के अनाउंस करते चलूँ. हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा राना जो कि हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं. दिन स्टार्ट करेंगे एक अच्छी सी हेल्दी सी रूटीन से. हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम जो कि बना रहे हैं मैरीलैंड जिंगर फ्राइड विद मेयो सॉस. मैरीलैंड जिंगर फ्राइड वा चिकन विद मेयो सॉस जो है वो हम आज बना रहे हैं. हमारे साथ होंगे हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट कत्सुनोरी अशीदा जो कि हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स फर्स्ट सेक्रेटरी जापान है. और हमारे साथ होगा द ट्रियो जिपैंग जापानीज बैंड. तो मजे का एक शो जो है वो होने वाला है. एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ हैं. वेलकम बैक टू मेहेक्ती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स फर्स्ट सेक्रेटरी जापान एम्बेसी कत्सुनोरी अशीदा ने. हेलो एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैं अभी ब्रेक में इन्हें बता रही थी कि कल मेरे पास इन्विटेशन आया कि आपने बैंड को देखना आया. मैं इतनी एक्साइटेड हो गई क्योंकि अभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और जब वो प्ले करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़बरदस्त प्ले करते हैं. और मैं शाम को प्लान बना रही फ्रेंड्स के साथ कि टुमारो वी हैव टू गो, एंड वहाँ पर मैंने डेट देखा था, इट वॉज द सेम डे, सो आई मिस्ड इट. बट लकीली आई हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड और वो लोग अब आज हमने उनको इन्वाइट किया है और वो यहाँ पर प्ले करेंगे आप सबके लिए जो ये फंक्शन अटेंड नहीं कर सके. और आप भी सुने, उनकी मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. द ट्रियो जिपांग जो है बैंड का नाम है. इसके मेंबर्स में जो है अयुमू ताकानाबे, percussionist of Osaka Shion Wind Orchestra since 1996 and a lecturer of Osaka College of Music, and Yuhi Gaoka, is that the right? Yuhi Gaoka High School. Appears on more than 100 stages a year, such as guest appearances in different orchestra, studio recordings, and adjudicator of national wide contests. Executive member of Kansai Percussion Association as well. So he's a lecturer as well. ये judge भी करते हैं competitions और more than 100 stages पे इनकी appearance होती है every year. हमारे साथ सबसे पहले Ayumu. Then we have with us Naomi. मैं अंग्रेज उससे बोल रही हूँ ना. Naomi Tabata, alto saxophone player of Osaka Shion Wind Orchestra as well as a lecturer of Doshisha Women's College of Liberal Arts, Tokushima Bunri University and Kyoto Horikawa Music High School. Excuse me agar main koi bhi naam galat le rahi hu. Okay. Sahi. Graduated and earned master's degree from Tokyo National University of Fine Arts and Music, semi-finalist of the 51st Geneva International Music Competition and second Adolf Sachs International Competition. Fourth prize winner of the 16th Japan Wind and Percussion Competition, zabardast bhai mashallah, best teacher award winner of the 12th Osaka International Music Competition, and she has already released two albums from Maester Music. The instrument that she plays is one of my favorite instruments, saxophone isko kehte hain, aur ye bahut mushkil hai bajana. Naomi Tabata. Hamare sath jo teesri member hain Emi Kitagawa, pianist and a lecturer of Osaka College of Music, Doshisha Women's College of Liberal Arts or University,
Suai is the right present. Yes. Suai High School and Ishiyama High School. Graduate from Tokyo National University of Fine Arts and Music and earned master's degree from Hochschule für Musik Freinberg. Is this German? German. See? Yeah, it's very difficult saying. German at the top of the class. Performed piano concertos with many orchestras, including the Kansai Philharmonic Orchestra, the Geidai Philharmonic Orchestra, Tokyo and College Opera House Orchestra, Osaka. Very amazing titles to all of your names and an amazing band as well. English, Urdu, nothing? Halki halki angrezi aati hongi. Halki halki angrezi. Urdu to? Urdu to sirf... Aap jaise logon ko aati hai. Jo aage yahan pe seekh lete hain aur uske baad kehte hain humne aur bhi jo hai seekhni hai. Pehle to mujhe bataein kaisa tha aapka jo concert tha kal. Kal ka, ye zabardast tha. ये मैं हकीकत कहूँगा अपना तजर्बा है कौन सा कभी मर्तबा मैंने करवाया लेकिन उनमें से सबसे बेहतर सबसे जबरदस्त अच्छा अमेजिंग अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात हो अभी हम पहले कुछ सुनेंगे उसके बाद जो है इस पे भी हम आते हैं कि बहुत सारे दुनिया में सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो कोई ऐसी सिमिलैरिटी जो जापानीज और पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट में वो भी हम सुनेंगे लेकिन पहले मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी और अगर आप हमें बताएं कि हम कुछ पीस जो है वो अभी सुनना चाहिए जा इक्यू में वो हमें नहीं समझ
wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. I have never, this is the first time ki main saxophone live sun rahi hoon. And this is the most beautiful piece that I've heard so far. The first as well. Beautiful, beautiful. Please tell her it's the first time I'm listening to a saxophone and I'm blown away. Bahut, bahut achha inhone jo hai wo play kiya. Achha, ek cheez jo kahi jati hai, inse please pooch ke mujhe bataye, ki aapke lungs bahut strong hone chahiye saxophone play karne ke liye. Hai ga chiyo kunai to dabi desi hone. Right? So, forget about smoking, forget about everything hazardous to your lungs. Agar aap aisi koi aadat hai aapki to aap kabhi bhi instrument jo hai wo nahi baja sakte. The drums were played beautifully, the keyboard was played beautifully. It was wonderful. Acha, to koi ek aisa instrument jo Japan aur Pakistan ka aapko similar lagta ho? Ji haan, jaise shamisen guitar ki tarah, guitar ki tarah hamara instrument hai jisko kehte hain shamisen. ये असल में आगाज जो है वो सितार है यहाँ सब कॉन्टिनेंटल के शुरू हुई है और वो चाइना होकर जापान तक पहुंच गए हैं और कुछ चेंज हुआ है शकर भी और आवाज चूंकि जो मिलने वाली चीजें हैं मटेरियल्स हैं वो मुख्तलिफ है इसलिए हमारे हाँ जो अवेलेबल चीजें हैं इसके मुताबिक हमने कुछ अरेंज किया है तो वो बन गया और इसके सिवा भी जैसे ड्रम्स है हमारा डोर मुख्तलिफ शकर का है आवाज का है ये भी मौजूद है ये भी मौजूद है अच्छा तो ओनली डिफरेंसेस कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है कि वो वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं इट्स सो स्ट्रेंज फॉर मी एवरी टाइम टॉकिंग टू अ ट्रू जापानीज मैन इन उर्दू एंड हिम अंडरस्टैंडिंग एंड हिम रिप्लाइंग इन उर्दू अच्छा ये जो पीस था दिस वॉज अ वेरी मॉडर्न पीस एंड I feel like मैंने ये पहले जो है composition probably सुनी है तो ये true Japanese piece के पीछे कोई story है ये कुछ मतलब is it असल में ये जो गाना या sing piece है इसका title है Passion Continent Passion Continent ये passion का lefts से आपको पता चल जाएगा ये काफी upbeat का है और ये एक TV documentary इसके टाइटल सॉन्ग के तौर पे इस्तेमाल किया गया था लेकिन अच्छा गाना अच्छा सॉन्ग है अच्छा म्यूजिक है इसी वजह से एकदम बहुत मशहूर हो गए और कई बैंड इसको अपने कॉन्सर्ट में प्ले करते हैं अच्छा जबरदस्त कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी ये किसी शख्स पर तवज्जो रख के उनकी एक्टिविटीज जैसे अपनी अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है क्या खिदमत की इसको जमा करके पेश करने वाली है ऐसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसे डॉक्यूमेंट्री है अच्छा अगर जापानीज म्यूजिक की बात होती है वैसे हाउ मच डू यू नो आपको इंटरेस्ट है म्यूजिक में डू यू लाइक रीडिंग अबाउट इट मैं बिल्कुल म्यूजिक पसंद नहीं आता ये तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पर उर्दू गाने भी जो है वो गा चुके हैं सो आई नो दैट यू लाइक म्यूजिक तो हर म्यूजिक की एक आइडेंटिटी होती है जैसे पाकिस्तानी म्यूजिक की जब बात होती है तो हम लोग फुल ऑफ एनर्जी लोग हैं तो हमारा ढोल है तो इसी तरह चाइनीज म्यूजिक इज वेरी सूदिंग एंड मोस्टली जो है ले रही हूँ मैं ब्रेक इसके बाद और मोस्टली जो है वो अगर आप देखेंगे जितनी भी स्लो पेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो ब्यूटीफुल सीनरी की डॉक्यूमेंट उसके पीछे चाइनीज म्यूजिक जो है वो प्ले किया जाता है जापानीज म्यूजिक की क्या आइडेंटिटी है छोटी सी सॉरी ब्रेक लेंगे इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ बैक टू मेहेक्ति मॉर्निंग अभी हम बात कर रहे थे कि क्या चीज यूनिक है जापानीज म्यूजिक में तो वहीं से आई थिंक सो वी पिक्ड अप कि हम एक फोक सॉन्ग जो ट्रू जापानीज सॉन्ग है वो प्ले करने जा रहे हैं जी 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 अच्छा। जापान में कई किस्म के फोक सॉन्ग होते हैं अच्छा। इसको कॉम्पैक्टली एडिट करके अच्छा और मिक्स करके पेश करेंगे अच्छा जबरदस्त इट्स अ मिक्सचर ऑफ फोक सॉन्ग इसलिए आपको मजा आएगा वो तमाम किस्म की अच्छा डिफरेंट ओह
amazing though. I have a different color. High tempo ka bhi hai, slow bhi hai, sab mix karke. Mix karke play karenge. Iska koi naam hai is piece ka? Ye hai Japanese folk music rhapsody. 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 Ah, amazing, amazing. So please, let's begin. Something wrong? Yeah. Sorry, ji. Thoda sa hamara technical. Is it okay now?
beautiful, beautiful, beautiful. It's so good. It was a feel good music. ये गाना सुनते हुए आपके चेहरे पे smile रहता है. It's so good. अच्छा song है. So growing up, कितनी दफा सुन चुके हैं आप ये? मैंने कई दफा, right? Because लेकिन इसकी खूबी यही है. कि आपको भी शायद पता चला है कि जो स्लो फोक सॉन्ग है और वो तेज वाला है इसको मिक्स करके पेश करते हैं. इसका मतलब यही है अगर चाहे अच्छा म्यूजिक हो कुछ अरसा सुनेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है लेकिन उससे पहले इसको कट करके तेज वाला शुरू करते हैं और फिर स्लो वाला. बहुत बहुत मजे की ट्रांजिशंस थी इसमें. मैंने तो कभी ये पहले नहीं सुना हुआ. सो इट वाज सो गुड आई वांट टू गेट अप एंड डांस टू इट. पता नहीं मैं कैसे बैठी हूँ. इट्स सो गुड. अमेजिंग अमेजिंग. छोटी सी ब्रेक का टाइम है. ब्रेक के बाद आप सारे आप अंगूर लें नाशपाती लें या एक और चीज थी बड़ी सामने मुझे मजे की लग रही थी मैं उसका नाम भूल गई लेकिन एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. आजकल सब्जी का रेट इतना ऊपर गया हुआ है फ्रूट्स का रेट इतना ज्यादा हुआ है कि मतलब गनीमत है कि आपको नसीब हो रोज के लिए. आजकल मीट से ज्यादा महंगा फ्रूट हुआ है. बिल्कुल मीट से ज्यादा महंगा फ्रूट हुआ है. एंड इट्स और हम आपको यहाँ पे देखिए इन चीजों का भी ख्याल करना होता है ना. इतने अच्छे अच्छे मैं आपको टिप्स बताती हूँ फ्रूट से ये करें वो करें तो मुझे लगता है इन दिनों ना जरा फ्रूट को चेहरे पे लगाने से ग्रेस करें खाने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें. आजकल ट्रे पे भी अवॉइड करें क्योंकि बहुत कॉस्टली है. बहुत कॉस्टली हुआ है रियली. आई डोंट नो आई होप कि जल्दी से ये जो प्राइसेस है नीचे आ जाए. एवरीथिंग एवरीथिंग अब बेसिक चीजें टमाटर शमाटर तो हम नहीं इग्नोर कर सकते तो खाना भी बनाना होता है उसके अंदर तो उसका रेट भी इतना ज्यादा है. सो आई जस्ट होप इट कम्स डाउन एंड इट्स अफोर्डेबल अगेन. अच्छा जी मुश्किल है. मुश्किल लेके नहीं जाएगी. देखिए ना रोज जिनको पता होता है ना पैंट्री से जिनका ताल्लुक हो कि आ रहे हैं उनको ज्यादा वो होता है. हम मैं कल गई बड़ी खुशी से मेरे घर में जरा फ्रूट शूट लेके आते हैं और फिर हर चीज का आप हाफ हाफ लेके आ रहे होते हैं कि खराब भी नहीं करना. इसलिए प्लीज जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने इतने लोगों को देखा है आधा आधा फ्रूट उनका जाया हो रहा होता है. डस्टबिन के अंदर मैंने देखा है जो एक हमारी कलेक्टिव जो अपार्टमेंट्स की डस्टबिन होती है आई हैव सीन वहाँ पे पूरे पूरे लिफाफे खराब फ्रूट के पड़े हुए होते हैं. इतना मत लेके आए घर में जो आप खा नहीं सकते जो आप जाया कर देते. तो यू नो प्लीज इन चीजों का ख्याल किया ये होता है ना एक अभी होटलों में भी आप चले जाएं जो हमारे कुक हजरात होते हैं मतलब एक चीज बना रहे हैं फ्रूट को थोड़ा सा इस्तेमाल किया बाकी को डस्टबिन कर दिया. उन लोगों के लिए भी मैं स्पेशली कहूंगा कि वेस्टेज कंट्रोल करें. वेस्टेज ना करें प्लीज. देखें ये गनीमत है कि आप अभी अफोर्ड कर सक रहे हैं इसको आप खा सक रहे हैं. आप उन कुछ लोगों को आप किसी भी इदारे में सॉरी कि आप काम कर रहे हैं ना उसे अपना काम समझ के करें. हम घर में लाते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है वो जो इतनी सी चीज भी ऊपर से फेंके ना वो भी ना फेंके हम लोग. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसा ही है ना. बिल्कुल क्योंकि हम लोगों को अल्लाह का डर खत्म हो गया है बस ये दुनियाई चीजें चलनी शुरू हो गई. इतनी अच्छी बात की है शेफ वसीम ने कि जब हम किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं पता होता है उन्होंने बजट दिया है उसमें आना है तो जरूरी तो नहीं आधी आधी चीजें उसकी जाया करना शुरू कर दें. कंजूसी मत कीजिए लेकिन प्लीज अपना काम समझ के उसको जब करेंगे तो कभी भी ये जाती नहीं वैसे भी गुनाह है खाने को जाया करना ये मत किया करें. और एक और रिक्वेस्ट जब आप बफेस पे जाते हैं तो मुझे पता है वो ऑल यू कैन ईट है बड़े पैसे दिए आपने लेकिन पेट आपका अपना है तो प्लीज उतना डालें थोड़ा थोड़ा डालें बार बार जाके डालें लेकिन जाया मत किया करें किसी भी चीज को. बड़ा दुख होता है हकीकत है. क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं मैरीलैंड फिंगर फ्राइड. ठीक है मैंने उसमें मीट का जिक्र इसलिए नहीं किया कि ये चिकन में भी बनती है ये फिश में भी बनती है. बेसिक चिकन में चलते हैं लेकिन मैं फिश में बना रहा हूँ. फिश में बना ठीक है ये मैंने अपनी रेसिपी से बना रहा हूँ. ठीक है कौन सी फिश हमने ली है इसमें? अब हमारे पास दूसरी है बर्मा फिश है. बर्मा फिश है ठीक है जी. रेसिपी पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं. इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूं. इसमें एक तो मैं दो चीजों में यूज करूंगा. एक तो इसकी मैरिनेशन में होगा प्लस ये जो फ्रूट है इसको हमने इसमें यूज करना है एक को बैटर बना के ना तो फिर इसको डीप फ्राई करना है.
ठीक है, उसमें हम मस्टर्ड यूज करेंगे, ब्लैक पेपर है, रेड चिली पाउडर है स्पाइस के लिए, ठीक है, व्हाइट फ्लावर है और वर्स्टर सॉस होगी, चिली सॉस है, सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। ये स्पाइस होते नहीं है अमेरिकन फूड में, नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं पाकिस्तानी टच दे रहा हूँ कि मतलब हम लोग तो स्पाइस के हिले हुए हैं ना, इसलिए ठीक है। ये इसमें हम मैरिनेट करेंगे जी, हम इसको पहले मैरिनेशन देंगे, ठीक है। ये हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। आज हमारे पास क्योंकि जापान की रिप्रेजेंटेशन भी है तो मैं इनको बताऊंगी, मैंने एक वीडियो देखी उस दिन अबाउट जापान और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, एंड जहाँ पर भी ऐसी अच्छी खूबसूरत एग्जांपल्स होती हैं वी शुड अडॉप्ट देम। और उस वीडियो में दो चीज़ें थी जो बहुत जो है वाज़े थी, और एक उसमें ये थी कि जापान में जितने भी एथिकल कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि जब आप एलिवेटर पे जा रहे होते हैं तो जिन लोगों ने खड़े होकर जाना है वो राइट साइड पर खड़े हो जाएं, और जिन्होंने नहीं, जिन्होंने चल के जाना है कोई जल्दी में है तो लेफ्ट साइड आप हमेशा खाली छोड़ते हैं, मतलब आप लाइन में खड़े नहीं हो जाते पूरी जो एस्केलेटर होती है सॉरी उसको ब्लॉक करके। सो उसमें दिखाया गया था कि जिस तरह हर मुल्क में, यहाँ पर तो साइन बोर्ड्स भी नहीं है पर कुछ मुल्क में साइन बोर्ड लगे होते हैं कि यू नो जो चलने वाले हैं वो ऑन द राइट, या जो जिन्होंने खड़े होकर जाना है वो ऑन द लेफ्ट। जापान में वो साइन बोर्ड्स नहीं होते एंड इवन देन पीपल नो हाउ टू फॉलो रूल्स, कि वो बचपन से जो है वो एथिक्स इंस्टिल किए जाते हैं। अनदर थिंग दैट आई सॉ एंड आई होप इट इज़ ट्रू कि जापान में स्कूल्स में जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे होते हैं वहाँ पर जैनिटर्स नहीं होते, दे आर टॉट, जी जी कॉल है मुझे समझ आ गई है मैं ले लेती हूँ, जो वहाँ पर बताया जाता है कि आपके बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि अगर आपने कुछ गंदा किया है, टेबल के ऊपर लिखा है, आपके वॉशरूम्स हैं, सो यू हैव टू क्लीन देम योरसेल्फ, एंड इट शोज देम कि जितना हम गंद करेंगे उतना बाद में साफ भी करना पड़ेगा, तो वो साथ साथ ये एथिक्स और ये सफाइयाँ लेकर चलते हैं। सो इज अ वेरी गुड थिंग विच आई थिंक सो कि बेस लेवल पर एथिक्स सिखाना इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो शायद बहुत सारे मुल्कों में, सिर्फ यहाँ की बात नहीं करी मैं, बहुत में मिसिंग है। हम किताबों पे इन चीज़ों पे तो फोकस करते हैं पर बेसिक एथिक्स, लाइन नहीं तोड़नी, किसी को धिक्का नहीं देना है, सफाई का ख्याल रखना है, खाना नहीं ज़ाया करना है, उतना डालना है जितना आप खा सकते हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं तो उसको अपनी जॉब समझ के करना है, ये बेसिक एथिक्स होते हैं जो घर से आप लेकर चलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त शो होता है, कल का शो भी बहुत जबरदस्त था और मैं कॉल मिलाती रही हूँ लेकिन मेरी कॉल इन भी हुई है, लेकिन आप इतनी ज्यादा माशाल्लाह अपने शो में इन्वॉल्व थी, आपकी जो गेस्ट आई हुई थी वो भी बहुत जबरदस्त, मैंने पूरा शो है ना आपका बहुत गौर से देखा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बस आप ही के लिए जो है ना हम ये सारी एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी देखा, बिल्कुल अभी जो आपके जो जापानीज सिंगर आए हुए हैं वो भी बहुत जबरदस्त, जी अभी जो आपके जापानी सिंगर्स आए हुए हैं वो भी बहुत जबरदस्त, उनका म्यूजिक था मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा आपको आपको मजे की बात बताऊं कि अभी तक जो आपने म्यूजिक सुना वो थोड़ा इंटरनेशनल था या जापानीज फोक था, अभी यही जो है सब आपको एक पाकिस्तानी पीस भी सुनाने वाले हैं। बिल्कुल, अब मेरे आपने दिल की बात की कि मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर इनके इनके पास कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का है तो वो भी बहुत जबरदस्त लगेगा हमें। ये मैं हमारे गेस्ट से पूछ रही हूं जी जी सुदस, मैं ये कहना चाहूंगी कल का जो आपका टी सेगमेंट था ना उस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जबरदस्त था, और मैं उसके ये भी आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि सॉन्ग के हवाले से आप अपने यहाँ जज्बात का कैसे इजहार कर सकते हैं, बहुत से हैं कि अगर रूठे हुए हैं तो रूठे हो तुम, तुमको कैसे मना, सुना देना, सुना थोड़ा सा सुना दे, चले आज म्यूजिकल सुन ले। बिल्कुल, एक ये भी और एक वो दूसरा टी के हवाले से भी मैं कहना चाहूंगी, पहले मैं टी वाला सुना दूं कि शायद मेरी, ये मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन मैं ये कहूंगी शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने तुम्हें मेरी चाय से बुलाया है। वो क्या याद करा दिया आपने, रिमेम्बर इन कभी सुना था कि कल मैं बहुत सुनाना चाह रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट इजहार किस तरह किए जा सकते हैं टॉपिक के हवाले से, रूठे हो तो उसके लिए रूठे हो, तुम तुमको कैसे मनाए पिया बोलो ना बोलो ना, बहुत अच्छा लगा था कल का आपका टी सेगमेंट, और दोस्ती वाकई कहीं भी आप चले जाए आपका बॉन्डिंग जो है ना वो टी के साथ हो जाती है, चाहे कॉफी तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं लेकिन चाय बच्चे से लेकर बड़ा हर जगह चाय फेवरेट।
बहुत जबरदस्त दोस्त थी, उनकी वाइटनर जो है बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। और इतने आपने दो मजे के गाने सुनाए मुझे, स्पेशली ये चाय वाला, मुझे याद है मैंने एक जमाने में ये सुना था और ये कितना ट्रू है, है ना? ये शादी का इरादा दिल में आया है तो फिर मम्मी ने चाय पे बुलाया है, चाय पे वो सारी बातें होती है हमारी, तो ट्रे भी जो वो ट्रे लेकर जो आनी होती है ना, हम लोगों की लाइफ के बड़े अच्छे सॉन्ग होते थे, है ना? वो पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने आजकल अच्छे लगते, आजकल अच्छे लगे, उस पर कदर नहीं होती ना, बाद कदर नहीं थी, बाद में जो है आजकल तो वो कहते हैं ना कि एक हल्का अपना गाने के साथ टीन जरूर बजता है, मतलब इतना शोर होता है, इतना फास्ट म्यूजिक होता है, उसकी समझ ही नहीं आती, उसकी समझ ही नहीं आती। दैट्स सो ट्रू, ये चेंज हो चुका है ना। हां ना, अच्छा हमने इन्हें मैरिनेट भी कर लिया है, मैरिनेट कर लिया हमने इसको, अब इसको क्रम्स कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, ठीक है, क्रम्स के बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है। सबसे ने हम जो है क्रम्स कोट करेंगे, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताते हैं हम आपको क्या पाकिस्तानी पीस जो है सुनाने वाले। मॉर्निंग, अगला जो सॉन्ग यहाँ पर हम करने जा रहे हैं उसके बारे में मुझे प्लीज बताइए क्या है। हाँ, अगले जो ट्यून है पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सबसे मशहूर और मकबूर गानों में से एक है, और लोग जो है अगर ये गाना शुरू करेंगे तो वो नहीं बैठते, नहीं बैठते, खड़े होके नाचना शुरू करते। तो ये हुआ कल कॉन्सर्ट पे, ऐसा होता है? जी हाँ, कल के कॉन्सर्ट में भी लोग, बहुत से लोग हैं हाथ को ऊपर करके, जैसे मैं कह रही थी ना मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा। और एक और मजे की बात उन्होंने बताई कि यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पर पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जी, और जी, उसके साथ इन्होंने प्ले हाँ, किया, तो वो बहुत मजे का एक जो है वो मिक्सचर हुआ होगा। इफ वी हैड मोर टाइम हम लोग भी डेफिनेटली ये जरूर करते, लेकिन अभी मुझे ये बताइए इन्होंने ये सीखा कैसे? ये असल में आज कल यूट्यूब है, हाँ। मैंने रिकमेंड किया ये यूट्यूब देखें। अच्छा, तो इन्होंने जर्म वाला मिसर तकाना पे इन्होंने इसको सुन के अपना बना के एडिट करके और इनको तकसीम किया है। सो ये खुद जो है उसको सुन के उस म्यूजिक के वो नोट्स निकाल जी, के जी, हाँ। And then they've been distributed. तो हम भी सुनना चाहेंगे, हाँ, प्लीज तो give a single standing ovation, you know, it's so good, it was amazing, bahut mazey ka. aur jo aapne baat ki kya baith nahi sakte ji, main jis takleef se main guzar rahi hu is waqt, mujhe baithe rehna pad raha hai iske upar, amazing. acha mujhe inse pooch ke bataye ki kisi aur country ka music play karne mein zyada maza aata hai ya apna hi music play karne mein zyada maza aata hai?自分の国の音楽をやるのと外国の国の音楽をするのどっちがなんか楽しいですかと、面白い。いやそれはどっちも。え、どの、どのまだあったら、どの、どのか、はん。ちゅんけ、どすれむるけ、ミュージック、モスイキー、シーケンゲ、と、あぷにいるめ、いざぱほじゃて。いびぼディジャスバーテ。बिल्कुल असल म्यूजिशियन इसी तरह होता है, नया इल्म या नया इत्तला हासिल करेंगे तो अपना सराहियत, अपनी सराहियत वो इजाफा हो जाती है, दे कैन प्ले बेटर नेक्स्ट टाइम। और इतना अच्छे तरीके से सीख जाना, उसको इतना ब्रिलियंटली प्ले करना, सो नो वंडर दे यू नो दे आर सच वेल नोन, और इतने अच्छे इनके जो हैं, दे आर टीचर्स एज वेल, तो वो जब नया कुछ सीख के जाते हैं तो फिर अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते होंगे। जी जी जी, स्टूडेंट को भी सिखाते हैं, सिखाते ये भी अपने तजुर्बा जिसको स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। I saw कि ये सिर्फ वैसे ही नहीं प्ले कर रहे थे, वे एंजॉयिंग इट, हम जितना एंजॉय करते ना उतना ही ज्यादा। अगर आपने इनको भी देखा वो सैक्सोफोन पे एंजॉय करें, वो प्ले करते हुए पियानो पे भी एंजॉय करें, सो इट्स रियली हार्ट वार्मिंग टू सी कि हाउ म्यूजिक कनेक्ट्स पीपल। जुबान का बैरियर हो सकता है, नहीं समझ आती, कल्चर का डिफरेंस होता है, लिबास का डिफरेंस होता है, लेकिन म्यूजिक, हाँ म्यूजिक जो है वो सीखने की जरूरत नहीं होता, सीखने कम से कम सुनने के लिए, इंजॉय करने के लिए, पढ़ा यानी अंडरस्टैंड के लिए तो अच्छा है, लेकिन सिखाने के लिए कुछ यानी किसी को बताने के लिए
ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन एंजॉय करने की, सुनने के लिए कोई जबान, सुनने के लिए भी नहीं, गाने के लिए भी नहीं। आपको शौक है, आप गाएं। आप हमें हमेशा कुछ ना कुछ गा के सुनाते हैं। आज आप आज तो मैं नहीं गाऊंगा, आज नहीं करेंगे इनके लिए। व्हाट अबाउट अ जापानीज सॉन्ग? जापानीज सॉन्ग लाइक अ लिटिल बिट ऑफ इट, ये हमने हमेशा आपसे उर्दू में ही सुना है। अच्छा, यानी ये आप मुझे जबरदस्ती से गाना गवाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। असल में मैंने भी गाया, एक दो गाना गाया था। अच्छा, हाँ। वेलकम बैक टू मेहेक्टी मॉर्निंग। हमारी रेसिपी तैयार है और देखिए कितनी मजेदार और क्रिस्पी जो है वो लग रही है इस वक्त। साथ में हमने एप्पल्स फ्राई किए हैं। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था रेडियो पे, मैं सुन रही थी, जो मैं आप लोगों से भी करना चाहूँगी टुमारो और डे आफ्टर, कि बच्चों को वेजिटेबल्स कैसे खिलाए जाएं। बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उसमें एक खातून ने जवाब दिया, वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप ऐसा करें कि आप एक टमाटर लें, उसको अंदर से खोखला करें, उसमें चीज़ भर दें, उसके बाद उसकी ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करें, फिर उसे डीप फ्राई कर दें। मतलब आप वेजिटेबल को मार दें, उसको कोई फ़ायदा ना रहे। तो आपने हमें बताना है कैसे खिलाए जाएं। I've seen Japanese schools में भी फास्ट फूड या फ्राइज ये नहीं होता, बल्कि दे गेट वाइट राइस विद सूप या फिर फिश दैट इज ग्रिल्ड। तो ये टेस्ट कैसे बच्चों का डेवलप करते हैं टू ईट समथिंग लाइक दैट? हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जायका हैं, ज्यादातर सोया सॉस, सोया सॉस इस्तेमाल किया जाता है, इवन फॉर सुशी। जी हाँ, सुशी भी है। और इसको क्या कहते हैं, गोमा को कहते हैं, एक लफ्ज मेरे जहन में नहीं आता, लेकिन सोया सॉस के सिवा भी नमक तो हाँ हर जगह, और चीनी, लेकिन दैट्स वो बच्चों के लिए तो नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ, छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होगा, जैसे मिर्च है पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं होती, दस ग्यारह साल से शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर जनरली हैबिट जो है वो हेल्दी ईटिंग की ही है, क्योंकि देयर इज बॉइल्ड राइस, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड नहीं होता है, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड या क्रम्स वाला। तेल कम इस्तेमाल करते हैं, तेल चीनी कम इस्तेमाल, तेल और चीनी, ये दो चीजें हैं जो बेसिकली ओबेसिटी को लीड करती हैं। अच्छा, आपका जो आज आपने किमोनो पहना है, पहले तो यू लुक वेरी हैंडसम, थैंक यू, बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैंने खवातीन को किमोनो पहने हुए देखा है यहाँ पर, आपके साथ भी एक दफा जो है वो आई थी, लेकिन मैंने पहली दफा जो है मैन वेयरिंग अ किमोनो, इट लुक्स वेरी गुड, इज इट कंफर्टेबल? जी हाँ, ये असल में लेडीज जो पहनती हैं किमोनो, यहाँ से यहाँ तक एक ही है, एक सिर्फ ही है, ये, की तरह ये है। जी हाँ, ये कोई शरवाज की तरह, जिसके साथ हम आराम से पैदल कर सकते हैं या दौड़ भी। पुराने जमाने में जो सामुराई वॉरियर वो ये पहनते थे, यहाँ स्वॉर्ड लगाते थे, आज स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं पंखा लगाता हूँ। प्रैक्टिकलिटी, जिस चीज की जहाँ जरूरत हो, पाकिस्तान में गर्मी है उसके ऊपर पंखा, अदरवाइज स्वॉर्ड। तो मतलब अगर सामुराइज ही पहनते थे जिसमें वॉर के सारे स्टेप्स हैं, सो दैट मींस इट्स वेरी मोबाइल और कंफर्टेबल। अगर लड़ना हो तो ये कुछ मुश्किल है, लेकिन हमेशा वो जैसे देखिए वर्दी, फौजी जो है वो लड़ते वक्त वर्दी नहीं पहनते, लेकिन हमेशा इसी तरह रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका गेयर अलग होता है जो उसका होता है, वर्क का होता है, डेफिनेटली इट लुक्स वंडरफुल। इसके कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट होता है, बिकॉज़ दिस मटेरियल लुक्स थिक विंटर्स और समर। जी हां, ये कपड़ों में भी मोटा कपड़ा भी है, हल्के कपड़े भी है। अच्छा, गर्मियों में हल्के कपड़े के साथ किमोनो लाइट वो। जी हां, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। सो दो चीजें मैंने जो है ना याद करनी, एक जापानीज गाना याद करना, ठीक है, क्योंकि आप इत हमेशा आते हैं, एंड यू आर सच अ वंडरफुल वंडरफुल कंपनी टू हैव, एंड मुझे बहुत पसंद है द पैशन यू हैव फॉर दिस कल्चर। आपने जुबान सीखी, आप हमारे साथ जो है वो गाना इसमें गा लेते हैं, यू हैव कम एंड कुक्ड ऑन दिस शो, सो आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक यू, ठीक है। एवरी टाइम ही सेंड्स अस एन इनविटेशन, मेरी कोताही है कि मैं हर एक पे जो है नहीं जाती, लेकिन व्हेनेवर आई कैन आई गो, एंड आई वुड
इसका मुझे जितना दुख है मिस करने का, आई कैन ओनली टेल यू. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल गेस्ट फॉर अस. मैं दोबारा आपको जो है कहूँगी. अगला जो गाना है ब्रेक में मैं सुन रही थी वो क्या उसका? जी हाँ, लुपान द थर्ड. लुपान इज अ वेरी फेमस नेम इन फ्रांस और इटली. लेकिन हमारा एक एनिमेशन है, जापानी एनिमेशन फिल्म जिसका टाइटल लुपान द थर्ड. वो एक बदमाश है लेकिन बहुत क्या कहेंगे, प्यारा बदमाश है, फनी किस्म के बदमाश और पुलिस के साथ कुछ लड़ना है. ये भी ये कॉन्ट एक कॉमिक इन कॉमेडी टाइप, कॉमेडी टाइप का है. इंटरेस्टिंग. उसका ये टाइटल? जी हाँ, इसका टाइटल सॉन्ग है. जबरदस्त जबरदस्त. सो बिफोर वी गेट टू दैट, मैं पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगी. अरिगातो अरिगातो, थैंक यू फॉर बीइंग फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स. प्लीज ट्रांसलेट एंड टेल देम दैट आई एम विशिंग देम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप यहां पर आए. यू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस एंड यू डिड वंडरफुल. थैंक यू सो मच.初めにありがとうと言いました。最高級のありがとうと言いますと言ったんですよ。Thank you. Thank you so much. Thank you everybody for watching. Thank you sir for being here. Thank you for always being such a wonderful guest. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू शेफ वसीम, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बनाई, मैं भूलती नहीं. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. और आज का शो